हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि यह ट्रेन सहरसा जंक्शन से खुलेगी, सुपौल तक जाएगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर यही सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस का फुल एक्सप्लेन होगा कि ट्रेन नंबर क्या है, ट्रेन का टाइम टेबल क्या है, कितने बजे आपको मिलेगा सहरसा जंक्शन में और कितने बजे आपको छोड़ेगा सुपौल में, और ये ट्रेन हफ्ते में कौन कौन सा दिन चलेगी, इस गाड़ी का लाइन रूट कैसा रहेगा कि कौन कौन सा स्टेशन से जाएगी, कौन कौन सा स्टेशन में इसका स्टॉपेज है, साथ में भी जानेंगे इस गाड़ी का टिकट किराया क्या है। तो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर दबाना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, तो गाड़ी नंबर है 13214, 11:55 रात को मिलेगा सहरसा जंक्शन में, उतारेगा 12:24 रात को ही सुपौल में, और यह ट्रेन रोज़ चलती है गाइस। इस गाड़ी का नाम है सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेन है सहरसा जंक्शन से सुपौल तक जाने के लिए, और यह बहुत ही बेस्ट गाड़ी है, इसका स्लीपर क्लास भी है। तो सभी चीज़ स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, तो बस एंड तक जरूर बने रहे विदाउट स्किप किए हुए। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का लाइन रूट। सो लाइन रूट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ये ट्रेन सहरसा जंक्शन से खुलती है सीधा सुपौल, ओनली एक ही स्टॉप है, जो कि हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो कि एक स्टेप में वीडियो कंप्लीट हो गया है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर जो सहरसा से सुपौल तक जाने वाली है वो सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस, जिसका एक ही स्टॉप है, सहरसा में बैठना है, सुपौल उतारेगा आपको। सो चलिए अब जान लेते हैं इस गाड़ी का टिकट किराया। एंड उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर दबा देना। सो चलिए जान लेते हैं इस गाड़ी का टिकट किराया। तो वो है टिकट किराया स्लीपर क्लास का पड़ जाएगा ₹145, और थर्ड एसी का ₹505, उसके बाद टू एसी का ₹714, और फर्स्ट एसी का आपको पड़ जाएगा ₹1175। सो ये टिकट किराया जो मैंने बताया वो सेम बताया, आप ऑनलाइन बुक करेंगे तब या फिर ऑफलाइन किसी रेलवे स्टेशन द्वारा बनाएंगे तब, मतलब सेम प्राइस लगेगा, या फिर किसी एजेंट द्वारा इस टिकट को बनवाते हैं तो कुछ रुपए चार्जेस ले सकता है। सो आई होप, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया सहरसा से सुपौल तक जाने वाली ट्रेन सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक तो बनता है यार, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने के बावजूद भी लाइक नहीं करते हो आप लोग, बहुत कंजूस हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा दें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहिए आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा।